कुकराधार जिले के फकीरा ग्राम में लगी भयंकर आग, कई दुकानें जलकर हुई खाक। कुकराधार जिले के फकीरा ग्राम शहर के रेलवे गेट के पास बीती रात लगभग 12 बजे दुकानों में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते 7 दुकानें आग के चपेटे में आ गई। आग इतना भयंकर था कि 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने का वजह का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रणब राय, सुबीर सरकार, विपुल राय, हरिपदो साह, सुकेश्वर, प्रतिमा चक्रवर्ती, अरूप सूर का दुकान और घर जलकर खाक हो गया। आज सुबह 11 बजे स्थानीय विधायक रविराम नरजारी, एडीसी दुत्मय नयन ज्योति पाठक घटनास्थल में पहुंचे और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान फकीरा ग्राम म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा और कई वार्ड के वार्ड कमिश्नर, फकीरा ग्राम के पूर्व TCLC चेयरमैन विजय तिवारी और BJP नेता अमिताभ साह उपस्थित थे। कोकराझर से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट। हम नजरी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग बात करेंगे। आप अभी दौरा करने के लिए आए हैं, क्या देखते हैं? बीती रात ये हमारे फकीरा ग्राम टाउन में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों का जो यहाँ पे कमर्शियल कंप्लेक्स जो है आग लगने के वजह से कंप्लीट ये डैमेज हो गया, बहुत नुकसान कहना पड़ा। अभी ये हम देखने के लिए अभी हमारा जसोमा साथी का ऑफिसर मिस्टर पाठक और हमारा चेयरमैन और टाउन कमेटी का चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा, हमारे DSU का जो है, हम सब अभी उन लोगों के साथ यहाँ पे उन लोगों का जो नुकसान हुआ है ये सबमिट करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। इन लोगों का ये मकान है, अभी जितना भी उन लोगों का प्रॉपर्टी है कम्प्लीट डैमेज हुआ। मैंने आपसे ये डीसी साहब से बात किया, डीसी साहब को यहाँ पे एक अपनी उनका ऑफिसर जो है बेचने के लिए उनको गुजारिश किया गया, उन्होंने बेच दिया पाठक DC साहब को। अभी हम DC साहब से बात करेंगे, उन लोगों का नुकसान जो ये है भरने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या ऐसा मदद करने का आपको जो उपाय है अगर जो है ये देने के लिए हम सरकार की तरफ से यहाँ पे धर्म से देने के लिए उनके साथ से बात करके ये काम करने के लिए हम कदम उठाएंगे। और असम सरकार का जो विशेषकर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट जो होता है उन लोगों के तरफ से क्या क्या ये सब सुविधाएं हैं उन लोगों के देने के लिए हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब से भी, और उन लोगों के साथ हम दिसपुर में काम करेंगे, मदद करेंगे। मेरे तरफ से पूरा हम मदद करने के लिए तैयार है। और कल सुबह 11 बजे में हमारा BTC का CF भागरामा मोहिलर साहब, उनके साथ भी उन लोगों को साथ में ले जाएंगे। हाँ साहब, उन लोगों को साथ में लेके जाएंगे और बात करेंगे। उन लोगों उनके तरफ से भी ऐलान किया है जो अभी नुकसान जिसका हुआ है उन लोगों का नुकसान भरने के लिए मदद करेगा, ऐसा मेरे को आश्वास दिया है और बुलाया है कल 11 बजे में उन लोगों को लेके जाके हम बात करेंगे। वो जरूर हमारे तरफ से मदद करेंगे, मुसीबत में है उन लोग, अभी उन लोगों को मदद करने का जो हमारा कर्तव्य है हम सही तरीके से निभाएंगे। उन लोगों को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, हम हैं उन लोगों के साथ। ये मुसीबत के दौरान उन लोगों के साथ ये खड़ा होकर काम करने के लिए मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। यहाँ का पब्लिक का कंप्लेन है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर आप लोग क्या मतलब? अभी फकीरा का म्यूनिसिपलिटी लास्ट 6 मंथ्स से चल रहा है, तो अभी नया म्यूनिसिपलिटी है तो हम लोग मैंने सर भी है तो पहले से ही लग रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ जाए, तो वो प्रोसेस में है, जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पे आएंगे। ঘৰ যাব চাইছিলো, মই ঘৰৰ পৰা যাব দিয়ে নাই। ইয়াৰ কাৰণে
যে ফোন করলো তার একটা বিষয় আছে ও ইয়েস মই ফোন করিছিল তো হ্যালো দাদা জি আছে তো পুরো হয়ে গেছে এ বিরাট গুড বিরাট ডাঙর দুর্ঘটনা হল সমষ্টিরে যে ফকিরের গ্রাম ফাউন্ড কমিটি এর আ দুয়া সারে বড়